ये तमाम तौबा के जो मामलात हैं कसरत से तौबा कर लें। और जब भी गुनाह हो जाए, गुनाह किससे नहीं होता, खता किससे नहीं होती, लेकिन गुनाह होने के बाद शैतान का एक सबसे बड़ा हरबा क्या है जानते हैं आप? शैतान दिमाग में ये बात डालता है, अरे यार तेरे से बहुत हो गया है, इतने पाप इतने गुनाह करने के बाद अब क्या तेरा होगा, मस्जिद में जाकर कौन सा अच्छा काम हो जाएगा, इतना हो ही गया है तो छोड़ो इसी में रहने दो। शैतान तुम्हें जरी बनाता है, निडर बनाता है, उसी रास्ते पर कायम रखना चाहता है। मेरे अजीजों, चाहे तुमसे कुछ भी हो जाए, 100 कत्ल होने के बाद भी अगर बंदा अल्लाह की बारगाह की तरफ चलता है तो मौला उसके लिए दरवाजे खोलता है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बनी इसराइल का वो शख्स जिसने 100 कत्ल किए थे और तौबा करने के लिए जा रहा था मुकद्दस घर की तरफ अल्लाह के, बीच रास्ते में उसका इंतकाल हुआ, बीच रास्ते में मर गया, तौबा भी करने की उम्मीद तौफीक नहीं हो पाई। उस वक्त बुखारी शरीफ की हदीस में है कि रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों उठाने के लिए आए उसको, कि ये तो बड़ा कातिल है, कितनों को तो इसने कत्ल किया है। दोनों में जब तकरार हुई, रहमत के फरिश्ते कहने लगे, नहीं ये अच्छे काम के लिए निकला था, बैतुल मुकद्दस जा रहा था या फिर खाने काबा मुकद्दस घर की तरफ जा रहा था, तौबा करने जा रहा था, इसे छोड़ दिया जाए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि नहीं ये तो गुनहगार है, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारा है। जिब्राइल अमीन फैसल की हैसियत से आए, अल्लाह ने उन्हें भेजा कि इन दोनों के दरमियान फैसला करो, और जिब्राइल अमीन ने क्या कहा दोनों फरिश्तों को, जमीन नाप करके देखो जहां से ये निकला था और मुकद्दस घर तक, कि अगर ये मुकद्दस घर से करीब में गिरा है तो रहमत वाले ले जाएं, और अगर अभी दूर है घर से ही करीब में गिर करके मरा है तो अजाब वाले ले जाएं। दोनों फरिश्तों ने नापा तो बराबर बीच में गिरा था, आधा इधर आधा इधर। अब जिब्राइल अमीन अली सलाम भी जो फैसल की हैसियत से आए थे वो पीछे हट गए, मौला अब तू फैसला फरमा, अब तेरे हवाले है। रब तबारक ताला ने फरमाया, जिब्राइल देखो मरा है गिर करके तो मुंह किस तरफ किया है। फरिश्तों ने देखा और कहा, अल्लाह वालों की एक बस्ती करीब में है, उस बस्ती की तरफ इसका मुंह है। मौला ने फरमाया, रहमत वाले ले जाओ। रहमत हक बहाना मी जोयत बहा नमी जोयत, फारसी में है, अल्लाह की रहमत माफ करने के बहाने ढूंढती है, वो कीमत नहीं देखती। मेरे अजीजों, जब रब तबारक व तआला खुद फरमा रहा है मेरा बंदा मेरी तरफ आए मैं उसकी बख्शिश के लिए तैयार हूं, तो यहां पर बंदा बढ़ना नहीं चाहता, ये अफसोस का मुकाम।